Welcome students in the Computer Infosys Computer Education. Students, आज का ये ट्रिपल सी का फर्स्ट वीडियो फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर के ऊपर हमने बनाया है. फंडामेंटल्स ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर क्या है ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर, बेसिक फंडामेंटल्स और बेसिक नॉलेज ये वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे, जो कि आपके ट्रिपल सी कोर्स के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस है, बहुत ज्यादा उसका बेनिफिट्स है. एग्जाम के लिए भी उसका बहुत सारा बेनिफिट्स के अंदर बहुत सारी थियरीज कवर्ड हो जाती है, तो प्रैक्टिकल के अंदर नहीं होती. ये चैप्टर के अंदर से, ये वीडियोस के अंदर से बहुत सारा थियोरिटिकल क्वेश्चंस एमसीक्यूज एग्जाम के अंदर आ सकते हैं. सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं इंट्रोडक्शन ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर का इन्वेंशन किसने किया था, हुज इन्वेंट द कंप्यूटर. इन्वेंशन मतलब कंप्यूटर की खोज करना. कौन से बंदे ने कौन से ईयर में कंप्यूटर का इन्वेंशन किया था. चार्ल्स बबेज ने 1822 के अंदर एक मशीन बनाया, एनालिटिकल इंजन. दिस इज नोन एज द कंप्यूटर. चार्ल्स बबेज एक इंग्लिश मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एक एनालिटिकल इंजन करके एक मशीन बनाया, जिसको कंप्यूटर का नाम दिया गया. ये एनालिटिकल इंजन का फोटोज है, आप देख सकते हो. चार्ल्स बबेज ने 1822 के अंदर ये मशीन का इन्वेंशन किया था. लगने से तो ये कंप्यूटर जैसा बिल्कुल भी नहीं लग रहा, बट इसका वर्किंग प्रिंसिपल इतना स्ट्रॉन्ग, इतना एडवांस था कि आज के लेटेस्ट कंप्यूटर भी ये एनालिटिकल इंजन के वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग साइकिल के बेस पे काम करते हैं. दैट्स व्हाई वी ऑल आर कॉल्ड द चार्ल्स बबेज द फादर ऑफ मॉडर्न कंप्यूटर, साइंटिफिक कंप्यूटर. हम ऐसा बताते हैं कि चार्ल्स बबेज एक लेटेस्ट मॉडर्न कंप्यूटर के फादर है. नेक्स्ट हम बात करते हैं अब व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर मींस क्या, तो सबसे पहले मैं बताऊं आपको डेफिनेशन, सिंपल डेफिनेशन. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन विच जनरेट आउटपुट ऑन द बेसिस ऑफ यूजर्स इनपुट. डेफिनेशन को ध्यान से समझिएगा. कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस विच जनरेट आउटपुट ऑन द बेस ऑफ द यूजर्स इनपुट. टू लाइन की सिंपल डेफिनेशन के अंदर बहुत सारे टॉपिक कवर होते हैं. चलिए एक एक करके उसको डिटेल में अंडरस्टैंड करते हैं. सबसे पहले डेफिनेशन के अंदर वर्ड दिया गया है डिवाइस. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डिवाइस. डिवाइस मींस व्हाट. डिवाइस मींस मशीन्स मैकेनिज्म, दैट इज नोन एज द डिवाइस. सेकंड जो मेन वर्ड आता है जनरेट करना. जनरेट मींस प्रोड्यूस करना, बनाना, उसको प्रिपेयर करना. थर्ड है इनपुट. फोर्थ नंबर पे दिया गया है आउटपुट. ये दोनों वर्ड को हम डिटेल में अंडरस्टैंड करेंगे. चलिए देखते हैं. इनपुट मींस, सबसे पहले हम लर्न करेंगे व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इनपुट. यूजर जो भी डेटा, यहाँ पे एक और वर्ड ऐड होता है यूजर्स. यूजर्स मींस व्हाट. जो पर्सन कंप्यूटर को यूज करता है, जो पर्सन कंप्यूटर को चला रहा है, दैट इज नोन एज द यूजर्स. मींस यूजर्स जो भी डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, कंप्यूटर में एंटर करता है, दैट इज नोन एज द इनपुट. फॉर एग्जाम्पल, अगर मुझे कंप्यूटर में 2+2 करना है, तो मैं कीबोर्ड का यूज करके 2+2 कंप्यूटर में टाइप करूंगा. तो ये मैंने जो डेटा 2+2 कंप्यूटर को प्रोवाइड किया, दैट इज नोन एज द इनपुट. नाउ नेक्स्ट हम देखते हैं आउटपुट. जैसे मैंने 2+2 कंप्यूटर में एंटर किया, नाउ आफ्टर द 2+2 एंटर करने के बाद में कंप्यूटर मुझे एक आंसर जनरेट करके, प्रिपेयर करके कंप्यूटर स्क्रीन पे शो करेगा 4. तो ये जो 4 डेटा जो मुझे कंप्यूटर ने प्रोवाइड किया, कंप्यूटर ने मुझे दिखाया, कंप्यूटर ने मुझे शो किया, दैट इज नोन एज द आउटपुट. इन द सिंपल टर्म, जो डेटा यूजर कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज द इनपुट. जो डेटा कंप्यूटर यूजर को प्रोवाइड करता है, दैट मीन्स हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज द आउटपुट. क्लियर. नाउ नेक्स्ट हम लर्न करते हैं वर्किंग साइकिल ऑफ कंप्यूटर. कंप्यूटर काम कैसे करता है. तो सबसे पहले क्या होता है, यूजर इंस्ट्रक्शन या इनपुट प्रोवाइड करता है. जैसे मैंने अभी रिसेंटली बताया कि आपको 2+2 कंप्यूटर में करना है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कंप्यूटर से कीबोर्ड का यूज करके 2+2 कंप्यूटर में एंटर करेंगे. बाद में कंप्यूटर क्या करता है, उसके ऊपर प्रोसेस करके हमें एक आउटपुट 4 जनरेट करके प्रोवाइड करता है, जो हम कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं. तो ये इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में जो चीज आती है, दैट इज नोन एज द प्रोसेस. सबसे पहले जो फर्स्ट स्टेप कंप्यूटर में परफॉर्म होता है, यूजर एक इनपुट इंस्ट्रक्शन कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, उसके बाद में कंप्यूटर क्या करेगा, उसके ऊपर प्रोसेस करेगा. नाउ थर्डली कंप्यूटर उसके ऊपर आउटपुट जनरेट करेगा, 2+2 को प्रोसेस करके 4 आउटपुट जनरेट करेगा. उसको एक अच्छे एग्जाम्पल के साथ हम समझ रहे हैं. बहुत आप लोगों ने फ्लोर मिल देखा होगा, जैसे कि सिंपल लैंग्वेज हम बताएं गंडी, वीट को, गेहूं को क्रश करने वाला मशीन गंडी. जैसे हम ऊपर से गेहूं डालेंगे, कंप्यूटर क्या करेगा, फ्लोर मिल मशीन क्या करेगा, उसको क्रश करेगा, ग्राइंडिंग करेगा, दैट इज नोन एज द
प्रोसेस। नाउ उसके बाद में वो गेहूं को क्रश करने के बाद में ग्राइंडिंग करने के बाद में हमें बाहर जो फ्लोर मिलता है दैट इज नोन एज द आउटपुट। फिर से एक बार उसको मैं एक्सप्लेन करता हूँ। सबसे पहले हमने ऊपर से गेहूं उसके अंदर डाला, दैट इज नोन एज द इनपुट। वो मशीन क्या करेगा, उसको ग्राइंडिंग करेगा, क्रश करेगा, ये हमारा हो गया प्रोसेस। और लास्ट में फाइनली हमें जो बाहर मिल रहा है, फ्लोर मिल रहा है, आटा मिल रहा है, दैट इज नोन एज द आउटपुट। सेम प्रोसेस कंप्यूटर के अंदर एग्जीक्यूट होता है। सबसे पहले यूजर डेटा एंटर करेगा, कंप्यूटर उस पर प्रोसेस करेगा, प्रोसेस करने के बाद में एक आउटपुट जनरेट करके यूजर को प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं इनपुट डिवाइसेस। बहुत ज्यादा इसके अंदर से थियोरिटिकल क्वेश्चंस आते हैं, ये बहुत ज्यादा लर्न करने वाली चीज है, थोड़ा फोकस कीजिएगा। इनपुट डिवाइस मींस व्हाट, जैसे मैंने पहले ही बताया, इनपुट मींस यूजर जो भी डेटा कंप्यूटर के अंदर एंटर करता है, कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज द इनपुट। नाउ इनपुट डिवाइस मींस व्हाट, इनपुट डिवाइस मींस डिवाइस से, जो मशीन से, जो मैकेनिज्म से हम डेटा को कंप्यूटर में प्रोवाइड करेंगे, दिस ऑल डोज नोन एज द इनपुट डिवाइस। फॉर एग्जांपल, जैसे 2+2 मैंने कंप्यूटर में एंटर किया, तो 2+2 मैंने कीबोर्ड का यूज करके कंप्यूटर में टाइप किया, एंटर किया, तो ये मेरा कीबोर्ड हो गया इनपुट डिवाइस। कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हो बहुत सारे इनपुट डिवाइसेस के फोटोज दिए गए हैं, कीबोर्ड, माउस, जॉयस्टिक, ट्रैक बॉल, स्कैनर, माइक्रोफोन, टच कैमरा, वेबकैम्स, ये सारे इनपुट डिवाइस है जिसका यूज करके आप बाहर से डेटा, यूजर अपना इंस्ट्रक्शंस, अपना डेटा कंप्यूटर को प्रोवाइड करता है। इन शॉर्ट, जो डिवाइस का यूज करके आप कोई भी मटेरियल्स, कोई भी डेटा, इंस्ट्रक्शन, इन्फॉर्मेशन कंप्यूटर के अंदर डाल सकते हो, दैट इज नोन एज द इनपुट डिवाइसेस। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आउटपुट डिवाइसेस। जैसे मैंने पहले भी बताया कि आउटपुट मींस कंप्यूटर जो डेटा हमें प्रोवाइड करता है, हमने जो इनपुट एंटर किया उसके ऊपर जो प्रोसेस हुआ, प्रोसेस करने के बाद में कंप्यूटर जो डेटा यूजर्स को मतलब हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज द आउटपुट डिवाइस। और कंप्यूटर ये डेटा जो मीडियम से, जो मशीन से, जो मैकेनिज्म से, जो डिवाइस से हमें प्रोवाइड करता है, दैट इज नोन एज द आउटपुट डिवाइसेस। फॉर एग्जाम्पल, जैसे 2+2 हमने कंप्यूटर में एंटर किया, कंप्यूटर ने उस पर प्रोसेस करके 4 आंसर जनरेट किया, जो आंसर हमें कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमने शो किया, हमने देखा, दैट इज नोन एज द आउटपुट डिवाइसेस। जैसे कंप्यूटर ने 2+2 का आंसर 4 जनरेट करके कंप्यूटर स्क्रीन के ऊपर हमें शो किया, तो ये कंप्यूटर स्क्रीन हमारे लिए क्या है, आउटपुट डिवाइस है। जैसे एग्जाम्पल के लिए दूसरा एग्जाम्पल है प्रिंटर। कंप्यूटर के अंदर कोई भी डेटा है, हमने कंट्रोल पी करके प्रिंट का कमांड दिया, तो कंप्यूटर क्या करेगा, उसके अंदर से प्रिंट आउट, प्रिंटर से बाहर निकलेगी। मीन्स ये प्रिंट में जो डेटा आया वो कंप्यूटर के अंदर से बाहर आया, तो ये एक हो गया आउटपुट डिवाइसेस। हेडफोन का एग्जांपल ले ले, हमने हेडफोन लगाया, जो वॉइस है वो कंप्यूटर में से बाहर आ रहा है, हेडफोन में हमारे कान में कंप्यूटर में से आ रहा है, दैट इज नोन एज द आउटपुट डिवाइस। स्पीकर से, वीडियो रिकॉर्डर है, प्लॉटर मशीन से, प्रिंटर मशीन से, ये सारे आउटपुट डिवाइस है। ब्रीफ में अगर आपको मैं बता दूं, जो डेटा बाहर से अंदर जा रहा है, डेट इज नोन एज इनपुट। जो मैकेनिज्म्स का यूज करके हम डेटा बाहर से अंदर भेज रहे कंप्यूटर में, डेट इज नोन एज इनपुट डिवाइसेस। जो डेटा कंप्यूटर से बाहर आ रहा है हमारे लिए, डेट इज नोन एज आउटपुट। और जो मशीन का, जो मैकेनिज्म्स का यूज करके डेटा हम रिसीव कर रहे हैं कंप्यूटर के पास है, डेट इज नोन एज द आउटपुट डिवाइसेस। अब ये इनपुट और आउटपुट दोनों के बीच में एक होता है प्रोसेसिंग डिवाइसेस। नाउ प्रोसेस डिवाइस के अंदर आता है सीपीयू। इसको हम बोलते हैं ब्रेन ऑफ कंप्यूटर, कंप्यूटर का ब्रेन है, इसके अंदर सारा प्रोसेस, सारी चीज एग्जीक्यूट होता है, दैट इज नोन एज द प्रोसेसिंग डिवाइस। सबसे पहले हमने देखा इनपुट, बाद में देखा इनपुट डिवाइसेस, आउटपुट, आउटपुट डिवाइसेस, और दोनों के बीच में जो प्रोसेस परफॉर्म करता है, दैट इज नोन एज द इनपुट डिवाइस, प्रोसेसिंग डिवाइस, उसको हम बोलेंगे प्रोसेसिंग डिवाइस। नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कीबोर्ड डिटेल में, कीबोर्ड के बारे में जानेंगे, माउस के बारे में जानेंगे, सीपीयू के बारे के अंदर नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे। और सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज, जो किसी भी बंदे ने लाइफ में कभी भी कंप्यूटर देखा नहीं है, उसके लिए हाउ टू स्टार्ट अ कंप्यूटर स्टेप बाय स्टेप नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम डिस्कस करेंगे कंप्यूटर को स्टेप बाय स्टेप, जीरो से लेके, जो पर्सन ने कभी कंप्यूटर को टच नहीं किया है वो भी अच्छे से कंप्यूटर स्टार्ट कर पाए, ऐसे सारे स्टेप्स हम नेक्स्ट वीडियो के अंदर आपको दिखाएंगे। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।